आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। मैंने 3 मसालों की रेसिपी बनाई है, जिसमें से पहला है चाट मसाला, दूसरा है पानी पूरी यानी कि गोलगप्पा पानी पूरी मसाला, और तीसरा जो कि सभी घरों में बहुत ही जरूरी मसालों में मसाला जो है किंग ऑफ द मसाला, गरम मसाला। गरम मसाले को मैंने टोटल 12 स्पाइसेस मिलाकर बनाया है, और ये जब खाने में मिलता है तो खाने का जो जायका है वो दोगुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ द मसाला गरम मसाला। सबसे पहले हम खड़े मसालों को भून लेंगे। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है और गैस को जो है हम एकदम धीमा रखेंगे। सबसे पहले हम 4 बड़े चम्मच साबुत धनिया लेंगे और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम इतना ही गर्म करेंगे कि इसकी जो गर्माहट है हमारे हाथ को बेर हो सके। आप देख सकते हो मैं इसे अपने हाथों से रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट याद रखे मसालों को हमें जलाना नहीं है, बस इसके अंदर की जो नमी होती है उन्हें दूर करनी है। ये देखिए, ये हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यानी ये भून चुके हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेम पैन लिया है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच जीरा लेंगे और इसे भी सेम उसी तरह से भुनेंगे जैसे कि हमने धनिया को भुना था। याद रखें, धनिया और जीरा दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपने 1 कप धनिया लिया है तो आपको जीरा भी 1 कप ही लेना होगा। धनिया और जीरा हमने इसलिए अलग अलग भुना है क्योंकि जीरा धनिया के मुकाबले बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो दोनों का जो टाइम है भुनने का वो अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें एक साथ नहीं भुनेंगे। ये देखिए, इसका भी कलर जो है चेंज होने लगा है और इसमें से खुशबू आने लगी है, तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। फिर से हम सेम पैन लेंगे और अब हम इसमें बचे हुए सारे मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच लौंग यानी कि क्लोव, 8 बड़ी इलायची या फिर मसाले वाली इलायची। ये इलायची गरम मसाले में होना बहुत जरूरी है, इसे इंग्लिश में ब्लैक कार्डमम भी कहते हैं। 16 हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम। आप चाहो तो हरी इलायची ना डालो तो भी चलेगा, मगर आपको बड़ी इलायची डालना जरूरी है। 3 इंच के 5 दालचीनी के टुकड़े यानी कि सिनेमम, 5 जावित्री यानी कि मेस, 5 तेज पत्ता यानी कि बेलीव, 1 जायफल यानी कि नटमेग, 3 चक्री फूल यानी कि स्टार अनीस, 1/2 बड़ा चम्मच शाही जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप इसे ना डालें। 3 बड़े चम्मच साबुत काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। अब हम सबको 1 मिनट ही धीमी आंच पे भुनेंगे। सभी के घर की गरम मसाले की जो रेसिपी है वो अलग अलग होती है। मेरे गरम मसाले में टोटल 12 मसाले पड़ते हैं। हर मसाले का अपना एक टेस्ट और फ्लेवर होता है। जब ये सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाते तो एक तरह का मैजिक क्रिएट करते हैं, और यही जब मसाला किसी भी तरह के खाने में मिलता है तो एक सिंपल से भी रेसिपी का स्वाद जो है वो दोगुना कर देता है। ऐसे तो रेडीमेड मसाले बाजार में बड़ी आसानी से मिलते हैं, पर उनका स्वाद और खुशबू जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। अगर आपने एक बार पैकेट ओपन कर दिया तो खुशबू भी चली जाती है और वक्त के साथ उसका जो टेस्ट है वो भी चला जाता है, पर घर पे बने हुए मसाले का जो टेस्ट है वो कभी भी नहीं जाता है, वो जैसे कि वैसे ही रहता है और उसकी खुशबू भी हमेशा वैसी रहती है। आप कभी भी गरम मसाले के डिब्बे का ढक्कन खोलोगे तो आप खुशबू से पहचान जाओगे कि ये गरम मसाला है, और इसकी खासियत ये है कि आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। पूरे घर में इन मसालों की जो खुशबू है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तेज पत्ता कितनी आसानी से टूट रहा है। सारे मसालों में से नमी निकल गई है, तो ये अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारे मसालों को जो है हम प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। मसाले जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें पीस लेंगे। मिक्सर के जार में हमने जो ये मिक्स मसाला फ्राई किया है, जिसमें हमने तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, नटमेग, सिनेमम, कार्डेमम, ये सारी जो चीजें हमने जो भुनी है वो ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम सबसे पहले पीसेंगे, क्योंकि जो मोटी चीजें होती है उसे पीसने में थोड़ा सा वक्त लगता है और थोड़ी मुश्किलात आती है, तो सबसे पहले हम इन्हें पीस लेते हैं।
आप देख सकते हैं इसे मैंने पीस कर रेडी कर लिया है। तो सारे जितने भी हार्ड यानी कि मोटे मसाले थे वो अच्छे से पीस गए हैं और इसका जो पाउडर है वो दरदरा आपको नजर आ रहा होगा। तो अब हम करेंगे ये कि हमने जो ये धनिया और जीरा जिसे हमने सबसे पहले भून लिया था ये पूरे तरह से अब ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें हम डालेंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। धनिया और जीरा हम इसलिए आखिर में डाल रहे हैं क्योंकि इसे पीसने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी पीस जाएगा। मैंने इन्हें अच्छे से मिला दिया है मसालों में, तो अब हम इन्हें पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से पीस कर रेडी कर लिया है। आप चाहो तो इसे एकदम फाइन पाउडर के फॉर्म में भी पीस सकते हैं या फिर थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। आप इसे कोई भी साफ सुथरे एयरटाइट कंटेनर में भर कर पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट है ये ऐसे के ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो अब से आप भी इस गरम मसाले को घर पे बनाएं और अपने खाने में एक अलग सा मैजिक क्रिएट करें। कि बाहर के मसाले से ये जो मसाला है काफी किफायती भी है, साल भर टिकता भी है और स्वाद भी इसका बरकरार रहता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको पानी पूरी यानी कि गोलगप्पा पानी पूरी मसाला और चाट मसाला बताने वाली हूँ, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।